एक साथ होने वाला है। ऐसे रखना एकदम दिखा। हाँ देखो ना, हवा बीच में लाता है जान मुझके। अरे ये टंकी खुला रहता है जू है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, माता रानी की कृपा से जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सब पे रखे, आपकी पूरी फैमिली को भगवान खुश रखे और मुझे भी। तो आप देख सकते हैं मेरे को इतनी तेठन लग रही, मैंने टोपा भी ओढ़ रखा है और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ क्या। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जब घर में दाल बच जाती है तो हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी कल की भी थोड़ी सी मसूर की दाल बच गई थी, आज की भी। तो ठंड में ऐसे भी होता है ना, बासी खाना खाने का मन नहीं करता है और फिर दाल फेंका भी नहीं जाता है, क्योंकि पैसे लगे होते हैं, किसी भी खाने को हम बर्बाद नहीं कर सकते। क्योंकि जो इस खाने की कीमत है हमारे पास तो है, तो चलो मैं फेंक भी दूँगी और अगले दिन के लिए है, मैं बना लूँगी दूसरा। क्योंकि हमारे खेत में ये चीज़ होती है तो हमारे घर की चीज़ें तो होता है, लेकिन इसकी कीमत जो असली कीमत होती है ना, वो उन लोगों को पता है, उन लोगों को पता है इसकी असली कीमत। कैसे हो रहे मेरे बाल, जिनको कि एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, नसीब होता है, तो सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए मैं खाना को नहीं बर्बाद करना चाहती, क्योंकि मुझे भी पता है इसकी कीमत क्या होती है। तो चलिए, मैं अभी दाल को ना, बच गए थे दोनों दाल, तो दोनों दाल को मैंने उधर चढ़ा दिया है। वो धीरे धीरे सूख जाएगा, उसका पानी जो है वो सूख जाएगा और दाल एकदम ड्राई बन जाएगा। और ये सुबह की आलू गोभी की सब्जी, तो ये आज तो नहीं खपने से रही, क्योंकि जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ उसमें सब्जी की कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर मैंने काटा है प्याज, काटी नहीं, अभी काटा नहीं है पूरी तरीके से, प्याज और हरी मिर्च कट कर रही हूँ। और स्टफिंग के लिए जो दाल को जो ड्राई होगा ना उसके अंदर मिक्स करने के लिए, तो चलिए मैं बना लेती हूँ। थोड़ा सा आटा भी गूंदना है मुझे, थोड़ा सा आटा मेरा ऑलरेडी कल परसों का है। और मेरे घर में दो तीन दिन से रोटी नहीं बनी है, डेली दिन का चावल, कभी फ्राई करके खा लो, कभी मैगी, यही सब चल रहा है। तो मैं सोचा आज प्रॉपर मैं बनाऊँगी रोटी पराठा जो भी है। तो इतना आटा मेरा पहले का है, थोड़ा सा आटा और लगाऊंगी, गूंदूंगी, इतना ही आटा और गूंदूंगी और सोच रही हूँ इसकी पूरियाँ बनाऊँगी। चलिए मैं पहले प्याज कट कर लेती हूँ, है ना, उसके बाद बनाऊँगी पूरी। पर प्याज को कट कर रही हूँ और मैं दो तीन दिन से मार्केट भी नहीं जा रही हूँ, अब सोच रही हूँ कल जाने के लिए, क्योंकि सब्जियाँ इस पर इतनी सारी पेंडिंग में पड़ी हुई थी, कुछ ऐसे होता है ना, फिर सोचते जब सारी सब्जी जब तक ख़त्म ना हो जाए तो फायदा क्या है जाने का मार्केट। तो शायद मैं कल भी ऐसे ना जाऊँ, क्योंकि कल मेरे को भी शिमला मिर्च बंद गोभी है, तो सोच रही चाउमिन बनाने के लिए। तो मैं जितनी चाउमिन मैं घर बना लेती थी, मैं रात को भी खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वही काफ़ी हो जाता है, हैवी हो जाता है ना। देखती हूँ कल देखी जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, क्योंकि दोनों पर मैं वीडियो डालती हूँ, तो दोनों पर ही आप लोग का स्वागत करती हूँ। आप लोग जहाँ कहीं से मेरी वीडियो देख रहे हो, माता रानी सबकी रक्षा करें, भोले बाबा सबकी रक्षा करें, साईं बाबा सबकी रक्षा करें। तो आज है 31 दिसंबर, तो मैंने सोचा आज एक ब्लॉग शूट करती हूँ, जो आज इस साल का लास्ट ब्लॉग है ये, क्योंकि अब तो अगले साल से नए साल कल है, तो कल से फिर नया ब्लॉग शुरू होगा, नए दिन की नई शुरुआत। तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू करती हूँ। अभी शाम का टाइम ही है, अभी खाना बनाने जा रही थी मैं, तो हल्का फुल्का तो खाना बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड के भी पेट में हो रही है प्रॉब्लम, उनका खाना पच नहीं रहा है, तो समझ नहीं आ रहा। तो आज सैटरडे है वैसे भी, तो मैंने सोचा चलो आज खिचड़ी बना लेते हैं, क्योंकि सैटरडे में हम लोग के यहाँ पर खिचड़ी बनती है ज़रूर। तो मैं सोच रही हूँ कुछ बर्तन है यहाँ पे धुलने के लिए, वो धोऊंगी, तो पहले मैं खिचड़ी रख देती बनने के लिए, उधर खिचड़ी बनती रहेगी, बिल्कुल सिंपल वाली खिचड़ी बनाऊंगी। मेरा तो कुछ भी खाने का मन नहीं है, कि मैं लेट नहीं खाई थी आजकल ठंड में, वैसे किसी को भी भूख नहीं लग रही है, आपको स्पेशल नहीं, सबको भूख नहीं लग रही है, ठंड में खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट कम होता है, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता। मैं एक ब्लॉग शुरू करती हूँ और आलस आ रहा अभी से,
स्पेशली। और आज मैं दो दो स्वेटर पहन रखी हूँ। देख कभी एक टाइम ऐसा था कि मैं एक स्वेटर पहनती थी, अब दो दो स्वेटर पहन के मुझे रहना पड़ रहा है, तो क्या करूँ, बहुत ठंड है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, ठंड के मारे जान निकली जा रही है बहुत ज़्यादा, हाथ पैर तो इतने कपकपा रहे हैं ना मत पूछिए। और कुछ बर्तन धोने को थे तो चलती हूँ मैं, बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी आराम से बैठ के। और ये संडे मॉर्निंग का ब्लॉग है, क्योंकि सैटरडे जब मैंने रात में ब्लॉग को एंड कर दिया था उसके बाद अभी मॉर्निंग शुरू हुई है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे पता है काम में लगी जाती है ना तो ब्लॉग शुरू नहीं हो पाता है, और फिर जब काम खत्म हो जाता है फिर लगता है ब्लॉग किस चीज़ का करें, किस चीज़ की वीडियो बनाए, है ना। अपना डेली रूटीन बनाती हूँ मैं, डेली अपना डेली का जो काम काज होता है घर की, हाउसवाइफ और क्या वीडियो बनाएगी, है कि आप, है कि नहीं। तो काफ़ी लोगों को मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरी वीडियो बनाने से, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरा काम है और एक जॉब है मेरी, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। बाकी अपने सोचने वालों की सोच होती है, जिसकी जैसी सोच है कि नहीं। बहुत लोग YouTube पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत क्या, जिनके एक से एक बड़े बड़े लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या, वही होता है जो बड़े लोग, जो मतलब कुछ पॉपुलर लोग, कुछ पैसे वाले लोग ये सब यही चीज़ करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और हम जैसे छोटे छोटे मोटे यूट्यूबर जैसे बनाते हैं वीडियो में, तो लोगों को बहुत मतलब कि ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, बहुत लोग सुनने को मिलता है, बट मैं सबकी बातों का ऐसा इग्नोर मारती हूँ जिसका कोई वो नहीं है। मैं किसी की बातों पे इतना वो नहीं करती, मैं बस अपना काम करते जाती हूँ, बस ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए अच्छे से, बाकी दुनिया जो बोलती है उसको बोलने देना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी हो जाती है वो, मतलब कि थोड़ा मैं सोचने लग जाती इस चीज़ को, बट अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत लोगों ने बोल लिया, है ना, है कि नहीं। बस अपना मैं बीच में स्टॉप हो गई थी, 5-6 दिन तक बहुत टेंशन में थी, मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं शूट किया था, ना लाइव आती थी। फिर मैंने सोचा यार मैं क्यों दूसरों के लिए ये, मतलब मैं अपना काम छोड़ रही हूँ, कोई दूसरा मुझे खाने देने वाला नहीं आएगा, ठीक है, मुझे अगर 10 रुपये की ज़रूरत होगी, कल को मेरी ऐसी सिचुएशन थी, मेरे को शर्म नहीं आती बोलते हुए, शर्म की क्या बात है, कि मुझे एक कुछ भी सामान अगर लेना होता था तो ऐसा नहीं है मतलब कि नहीं, तो एक वो, ये एक वो होता है ना कि कुछ पैसे लिमिट में होते हैं, ठीक है, अब उस पैसे के लिमिट में जैसे हमें दो, एक होता है अपनी ज़रूरत का सामान और कुछ होता है शौक़, तो मेरी ये सिचुएशन थी कि बस हम ज़रूरत ही पूरी कर पाती थी, शौक़ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्या शौक़ तो कभी किसी के इतने शौक ऐसे होते हैं कि कभी पूरे नहीं होते, चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों ना, लेकिन फिर भी एक कुछ होता है ना थोड़े बहुत, तो इंसान का मन करता है। तो मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं अपना मन बहुत मारी हूँ, बचपन से लेकर अभी तक अपना मन मारती ही आ रही हूँ, लेकिन अब ऐसा है कि चलो कभी कभी मेरी पेमेंट आ जाती है, इससे कभी कभी नहीं, पहले ठीक ठाक पेमेंट आई हुई है मेरी, मैंने बहुत सारे सामान मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई है इस YouTube के पैसों से, मैंने फ़ोन लिया अपना, मैंने अपना फ्रिज ख़रीदा, मैंने अपनी वॉशिंग मशीन ख़रीदी, तो मतलब यूज का सामान मैंने बहुत कुछ ख़रीदा है, कुछ एक आध ज्वेलरी भी मैंने ख़रीदी है YouTube के पैसे से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जब मुझे कोई देने वाला नहीं है, मुझे पता है कि मुझे खुद से ही करना है, तो मैंने किया, तो इसमें ख़राबी क्या है, आप ही लोग बताइए मुझे। तो बस इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ मैं, आप लोग